कुर्बानी तो हो गई और अब बारी आती है चटपटे खाने बनाने और खिलाने की। घरों में मजेदार खानों के दस्तरखान सज गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक अफगान सरहद पर वादी राजगाल का दौरा। पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद गुजारी। रहमान मलिक ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। कहते हैं अमरीकी धमकी के खिलाफ कौम का एक आवाज होना खुशाइंद है। कराची में रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमला नाकाम। दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस अहलकार और राहगीर बच्चा शहीद। जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया। ईद की खुशियां सबके लिए सांझी। मुल्तान में माजूर अफराद भी ईद की खुशियां मनाने में किसी से पीछे ना रहे। लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी ईद की तकरीब। ईद के रोज अवाम की मौज मस्तियां। कराची वालों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। सखर में शहरियों ने तफरीह के लिए दरियाए सिंध पर डेरे डाल लिए। लाहौर के चिड़ियाघर में भी रौनकें। मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं, सुन्नत इब्राहिम की अदायगी। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला ईद के रोज भी जारी। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी पहुंच गई। पेशावर में कुर्बानी के जानवर ने मौसमी कसाबों की एक ना सुनी। फैसलाबाद में बैल ने अनाड़ी कसाब और मालिक की दौड़ लगवा दी। ईद के रोज भी भारतीय फौजी दरिंदों की एलओसी पर बिलाइश्ताल फायरिंग। अब्बासपुर सेक्टर में फायरिंग से 5 साला बच्ची शहीद। लोग घरों में महसूस। मेरे तमाम हम वतनों को पहले ईद मुबारक। मैं हूँ फहीम अशरफ और मेरी तरफ से पूरे मुसलमानों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। और मैं हूँ फ़खर जमान और मेरी तरफ से भी सब मुसलमानों को और पूरे पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्रिकेटर्स भी ईद की खुशियों में शरीक। कोच मिकी आर्थर और दीगर क्रिकेटर्स के ईद पर मुबारकबाद के पैगामात।